आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ भारत सरकार कच्चे तेल के आयात को लेकर भी अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। सरकार तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करेगी। बीते एक दशक में देश के कुल तेल आयात में ओपेक देशों की हिस्सेदारी 87% से घटकर 70% पर आ चुकी है। अब इसे 2030 तक घटाकर 60% या इससे नीचे लाने की मंशा है। वहीं यूक्रेन घटनाक्रम के बाद भारत ने जिस तेजी से रूस से क्रूड आयात शुरू किया है और ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहता है तो इस लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि क्रूड आयात भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ज़रूरतों का तकरीबन 86% क्रूड आयात करता है। भारत की स्पष्ट नीति है कि जो भी उसे सस्ती दर पर और सहूलियत से क्रूड देगा उससे खरीदारी की जाएगी। यही वजह है कि दूसरे देशों की आपत्तियों के बावजूद इस वर्ष फरवरी से रूस से क्रूड की खरीदारी बढ़ा दी है। पिछले वर्ष दिसंबर तक भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 1% थी, जो इस वर्ष मई जून में बढ़कर तकरीबन 10% हो गई है। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2021-22 में 6 वर्ष बाद ओपेक देशों से खरीदारी में वृद्धि हुई थी। तब कुल तेल आयात में ओपेक देशों का हिस्सा करीब 70% था, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ये काफी कम हो सकता है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कनाडा, मेक्सिको, सूडान, कांगो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील से भी तेल आपूर्ति शुरू कर दी है। ये सारे देश ओपेक के सदस्य नहीं है। अमेरिका भी भारत के एक बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर स्थापित हो चुका है। भारत ने अमेरिका से वर्ष 2017-18 में ही क्रूड खरीदना शुरू किया है और अब वह शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। वर्ष 2021-22 में भारत की कुल जरूरत का 8% क्रूड अमेरिका से आया था। अनुमान है कि वर्ष 2022-23 में अमेरिका की आपूर्ति में 15% की और वृद्धि होगी। भारत के रिश्ते ओपेक देशों के साथ सामान्य तौर पर बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन ओपेक देश जिस तरह से क्रूड कीमतों को लेकर मनमान्य रवैया अपनाता है उसे देश की इकोनॉमी पर काफी बोझ पड़ता है। भारत में चालू खाते में घाटे की स्थिति, आयात निर्यात में अंतर, रुपए की कीमत और महंगाई की स्थिति जैसी आर्थिक गतिविधियों को तय करने में क्रूड के मूल्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकार की सोच ये है कि अगर एक बड़ा तेल आयातक देश होने की वजह से वह अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा गैर ओपेक देशों से खरीदेगा तो इसका असर इस संगठन पर होगा। इससे ओपेक देश तेल कीमत को वाजिब तरीके से निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी वजह यह है कि वैश्विक हालात को देखते हुए भारत ज्यादा देशों पर तेल निर्भरता बढ़ाना चाहता है, ताकि जो स्थिति अपनी यूरोपीय देशों की है उस तरह के हालात का उसे सामना नहीं करना पड़े। वहीं अधिकांश यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी तक रूस पर निर्भर थे। अब जब रूस के साथ उनके रिश्ते तनावग्रस्त हो चुके हैं तो इसका असर पूरे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपकी दुकान स्टोर में